अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5। टेक आउट योर बुक, ओपन यूनिट नंबर 2, डज ही रिमेंबर, पेज नंबर 15। इसके वर्ड्स मीनिंग और इसके 2 पेजेस जो हैं वो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में रीड कर लिए हैं। अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट पेज की तरफ, एट पेज नंबर 18। पेज नंबर 17 तक हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे ही माइक जो है वो उसके कमरे में दाखिल होता है और वहाँ जो डॉग है वो नबील के पास जो है वो बैठा हुआ है। इनके पहले वो सो रहा था तो अचानक उसकी आँख खुली और उसने इनको गुड़गुड़ाने की जो उसकी आवाज़ आई, उसके बाद यानी कि यहाँ तक हम लोगों ने रीड आउट कर लिया था कि वो आवाज़ जो थी वो नबील और माइक की नहीं थी। सो ये आवाज़ किसकी थी, अब हम रीड करते हैं इसको पेज नंबर 18 से। देन देयर वाज क्योस, यानी कि वहाँ फिर अफरा तफरी मच गई, यानी कि जैसे ही उन्होंने कुत्ते के उठने की आवाज़ सुनी तो वहाँ पे जो माहौल जो था वो अमन का जो था वो अफरा तफरी में चेंज हो गया, यानी कि अफरा तफरी वहाँ पे मच गई। द डार्क फॉर्म लेफ्ट इन टू द एयर स्याह वजूद, यानी कि डार्क फॉर्म स्याह वजूद जो है वो हवा में उछला, लेफ्ट कहते हैं उछलने को। अर्जेंटली स्क्रैम्बलिंग टू गेट ऑफ द सोफ़ा, यानी कि वो तेज़ी से सोफ़े से उतरने के लिए अपने हाथ पाँव उसने मारना शुरू कर दिए। स्नॉर्लिंग रैगिंग मर्मर ड्यूक लीपिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स माइक, यानी कि एक जो गुड़गुड़ाता हुआ जो मर्मर ड्यूक है उसने माइक की तरफ यानी कि झपटने के लिए उसकी तरफ गया। ड्रोन आउट द बैंग फ्रॉम द डिस्टेंस बेडरूम, यानी कि उसको एक दूर जो ख्वाबगाह है यानी कि जो उस बेडरूम है सोने का कमरा जो है वहाँ से जो भोंगने की आवाज़ें आ रही थी उसने उस आवाज़ को दबा दिया। स्टॉप हिम डू समथिंग, इसे रोको कुछ करो। स्क्रीम्ड माइक, यानी कि माइक ने बड़ी तेज़ी से यानी कि चीखते हुए उसको कहा। एस ही टू स्क्रैम्बल्ड बिहाइंड अ लार्ज आर्म चेयर, कि वो कुर्सी के पीछे दबता हुआ यानी कि चीखते हुए वो उसको कह रहा था कि उसको रोको और कुछ करो। नबील एक्टेड जस्ट इन टाइम, नबील ने उस वक्त यानी कि कुछ किया यानी कि अपनी हरकत जो की। ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द डॉग, और उसने उसको और वो कुत्ते के ऊपर यानी कि उसके टॉप पर यानी कि उसके ऊपर जाके गिरा। पिनिंग इट फर्मली टू द फ्लोर स्लोइंग इट डाउन, यानी कि उसने उसके मजीद मजबूती से पकड़ कर उसको फर्श पर लिटा लिया। माइक सा हिज चांस, माइक ने अपना यानी कि मौका देखा। एंड टुक हिज हील्स इमिजिएटली, और उसने फौरन से वहाँ से भागने का फैसला किया यानी कि उस वहाँ से भागना शुरू किया। हेडिंग स्ट्रेट फॉर द फ्रंट डोर, यानी कि वो भागता हुआ अकबी यानी कि मरकजी दरवाजे पर गया। नबील कुड नॉट कीप द रिटिंग एनिमल ट्रैप फॉर वेरी लॉन्ग, नबील जो था वो यानी कि बफरे हुए यानी कि जो जानवर जो है वो रिटिंग एनिमल कहते हैं बफरे हुए या मचलते हुए जानवर को, यानी कि जो आपके कंट्रोल में ना आए उसको ज़्यादा देर तक अपने कंट्रोल में ना रख सका यानी कि उसको ज़्यादा देर तक ना दबोच सका। इट वॉज़ आलमोस्ट एग बीज एज बिग एज ही वॉज, यानी कि वो तकरीबन इतना ही बड़ा था जितना कि वो था। एंड मच स्ट्रोंगर, और उससे ज़्यादा ताकतवर था। माइक रीच फॉर द डोर, माइक जो है वो दरवाजे तक पहुँचा। रीच द डोर हैंडल, यानी कि दरवाजे के हैंडल तक पहुँचा। रेंच इट डाउन, और उसका नीचे को दबाया। पुल ओपन द डोर, और दरवाजे को खोला। एंड शूट आउटसाइड, और बाइक की तरफ चला गया। स्लेमिंग द डोर फर्मली बिहाइंड हिम, स्लेमिंग कहते हैं खींचकर दरवाजे को खोलना। द डोर फर्मली यानी कि मजबूती से उसने खींचकर दरवाजे को अपनी तरफ खोला। इट वॉज़ नॉट अ मोमेंट टू सून, यानी कि ये लम्हा अभी इतनी जल्दी नहीं था। लुकिंग ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधों के पर देखते हुए। एज ही रेस्ड द गेट फॉर द गेट, यानी कि वो भाग कर दरवाजे की तरफ गया। माइक सा मर्मर ड्यूक्स ग्रेट पॉज अप अगेंस्ट द विंडोज पेन नेक्स्ट टू द डोर, यानी कि माइक ने मर्मर ड्यूक के जो बड़े से पंजे थे उनको विंडो पेन से इनकी खिड़कियों की तरफ से दरवाजे पर अपनी तरफ आते हुए देखा। द एनिमल्स लार्ज अनसीन आइज ब्लेज्ड लाइक गार्नेट्स, द एनिमल्स लार्ज यानी कि जो बड़ा सा जानवर अनसीन आइज यानी कि उसकी ना नज़र आने वाली आँखें ब्लेज्ड लाइक गार्नेट्स, तो यहाँ पर वो दहक रही थी यानी कि रोशन हुई हुई थी किसी याकूत की तरह, यानी कि जिस तरह मोती जो होता है वो चमक रहा होता है, सो यहाँ उसकी आंखें भी थी वो वैसी चमक रही थी या दहक रही थी। एंड हिज टीथ वर बेयर्ड, और उसके दांत जो थे वो बाइट की तरफ नज़र आ रहे थे। हिज फेरोशियस बार्क एंड ग्रोल्स हैड एनकरेज्ड द अदर डॉग्स,
टू बे लाउडर, इनकी फेरोशियस बाघ उसकी जो दहशतगर्दा जो भौंकने की आवाज़ थी, एंड ग्रोल्स और उसके गुरगुराने की हैड इनकरेज्ड अदर डॉग्स, इनको उसने दूसरे कुत्तों को भी मजबूर किया, इनके उसको एहसास दिलाया टू बे लाउडर, ताकि वो ऊंचा ऊंचा भौंकना शुरू कर दें। इट सीम्ड एज इफ ऑल द डॉग्स ऑफ द नेबरहुड हैड जॉइंड इन द कैकोफोनी, यानी कि ये ऐसा लग रहा था कि जैसे जो उसके साथ यानी कि हमसाय में रहने वाले जो कुत्ते हैं उसने उसके भौंकने की आवाज़ में उनको शामिल कर लिया है। माइक लीव्ड अप ओवर द गेट, माइक जो है उसने छलांग लगाई और फलांग कर दरवाजे से बाहर चला गया। लाइक एन एथलीट इन हिज प्राइम, लाइक जैसे कि एथलीट जो है था यानी कि जैसे वो करते हैं किसी एथलीट की तरह, एंड कोलैप्स इन अ हीप ऑन अ डस्टी ग्राउंड, और उसने जो है वो जर्द यानी कि गंदी ज़मीन पर यानी कि मट्टी जर्दा जो ज़मीन थी उसके ऊपर गिर पड़ा। ही स्टूड अप शेकली, वो लड़खड़ाते हुए उठा, एंड स्टिल ब्रेथलेस और ऐसे हांफती हुई सांसें ले रहा था। डस्टेड हिज जैकेट, उसने अपनी जैकेट को झाड़ा, एंड ट्राउज़र और इस पतलून को विद ट्रम्बलिंग हैंड अपने कांपते हुए हाथों से। फ्रॉम हिज पॉकेट ही टुक अ लार्ज वाइट हैंकरचीफ, अपनी जेब से उसने एक बड़ा जो है सफ़ेद रंग का रुमाल निकाला, एंड वाइप्ड आउट द स्नैप ऑफ हिज ब्रो, और अपनी इनके अपने पसीना जो है अपने माथे से पसीने को साफ किया। बाय नबील, अल्लाह हाफिज़, यानी कि बाय नबील, नबील को वो कह रहा है बाय, ही कॉल्ड आउट एंड वेव्ड, यानी कि उसने उसको कहा और वहाँ से हाथ हिलाया। एज ही हेस्टली मेड हिज वे डाउन द रोड विदाउट इवन टर्निंग टू लुक, और वो जल्दी से यानी कि फ़ौरन उसने हाथ हिलाए बगैर किसी जहमत किया यानी कि मुड़ के देखे बगैर वो वहाँ से चला गया। आई विल कॉल यू सम टाइम, मैं किसी वक्त तुम्हें कॉल करूँगा। परहैप्स वी कैन मीट इन टाउन वन डे, हो सकता है या शायद हम लोग किसी एक दिन अपने गांव में कस्बे में मिलें। दे नेवर डिड सी ईच अदर अगेन, उसके बाद उन्होंने उसको कभी एक दूसरे को नहीं देखा। सो यहाँ हमारा चैप्टर जो है वो कम्प्लीट हो गया। राइट ऑन द डे एंड द डेट हेयर, एक्सरसाइज जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। डेसी रिमेंबर पेज नंबर 18 से वर्ड्स मीनिंग को रीड आउट करते हैं। कियोस, अफरा तफरी, लेफ्ट उछला, अर्जेंटली फौरन उसी वक्त, स्क्रैम्बलिंग पंजों से खुरचना, स्नोरलिंग गुर्राते हुए, रैगिंग गुस्से से, ड्रोन्ड आउट दबा देना, फर्मली मजबूती से, स्ट्रेट सीधा, रीथिंग एनिमल्स मचलते हुए जानवर, रेंस्ट नीचे करना, स्लेमिंग खींच कर दरवाज़ा खोलना, ब्लेस्ट दहकना या रौनकदार या चमकदार चीज़ होती है, गार्नेट्स या कूद, बेर्ड जो इनके जो ऐसी चीज़ जो बाहर की तरफ नज़र आ रही होती है, फ्रोशियस खूनख्वार, ग्रोल्स घुराना, एनकरेज्ड एतमाद महसूस करना, कैकोफोनी सख्त किस्म की आवाज़, कोलैप्स्ड गिर पड़ना या ढेर हो जाना, शेकली लरसते हुए, ब्रेथलेस हामती हुई सांसें, हैंडकरचीफ रुमाल।